हे हाय एवरीवन, आकांक्षा हेयर। आज बात करते हैं कम्युनिटी के बारे में कि कैसे हमारा बिलीफ सिस्टम, हमारी ईटिंग हैबिट्स और हमारा हेल्दी होना या ना होना हमारे पेरेंट्स, फैमिली मेंबर्स, आसपास के फ्रेंड्स और सोसाइटी पे डिपेंड करता है। पर एक सच बात बताऊं, हम उनसे सिर्फ ये नहीं लेते, हम उनसे उनके हेल्थ इश्यूज़ भी लेते हैं। आपने अपनी लाइफ में एक ना एक बार ज़रूर ये सोचा होगा कि आपको ये पर्टिकुलर हेल्थ इश्यू इसलिए है क्योंकि ये आपके पेरेंट्स को भी था। पर क्या ये सच है? चलिए इसको कुछ एग्जांपल से समझते हैं। हमारा बर्थ प्लेस क्या होगा, हम किस रिलीजन में पैदा होंगे या हमारे पेरेंट्स कौन होंगे, इनमें से कोई भी बात हम डिसाइड नहीं करते। पर एक चीज़ जो हम डिसाइड करते हैं कि हम किस कम्युनिटी में रहने वाले हैं। डेफिनेटली अगर आपके फ्रेंड्स हर वीकेंड पार्टी करते हैं तो आपका लाइफस्टाइल वैसा ही होगा। पर अगर आपके फ्रेंड्स अपने हेल्थ का ध्यान रखते हैं, रोज अपने स्किल्स को इम्प्रूव करने की बातें करते हैं, तो आपका माइंडसेट भी वैसा ही होगा। इसलिए अगर आपका कोई बिगर गोल है जिसे आप अचीव करना चाहते हो, तो सेम गोल, सेम माइंडसेट वाले लोगों के साथ रहने से, साथ चलने से आप उस गोल को बहुत आराम से अचीव कर लेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन।